क्या पढ़ना है जनरलाइज्ड फार्मूला वन रेस टू इंफिनिटी फॉर्म से उत्पन्न किया हमने ठीक है तो जनरलाइज्ड फार्मूला पढ़ रहे हैं देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स मान लो वन है ठीक है लेट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू वन एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी ठीक है ठीक है और ये चीज वन की तरफ जा रही है ठीक है देन देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स विल बी इक्वल टू ई रेज टू limit extends to a gx into fx minus 1 ठीक है e raise to a ये क्या है generalized formula है ठीक है limit resolve करने तो आनी ही चाहिए पर formula भी पता होना चाहिए क्या लिखा मैंने let limit extends to a fx is equal to 1 and extends to a gx is equal to infinity then limit extends to a fx की पावर gx will be e raised to limit x tends to a gx into fx minus 1 अरे सही है ठीक है ये तो इसका फॉर्मूला है ठीक है अच्छा ये आया कैसे आया कैसे तो मैं बता दूं तुम्हें यहां करना इसका प्रूफ देखो जब तुम्हारे पास ऐसे है ना fx की पावर gx है ठीक है इसको कैसे लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं मैं e रेज टू जी एक्स इंटू एल एन ऑफ अरे समझ आया सबको अरे ये जी एक्स यहां भी हो सकता है ना और e और l के आपस में कट जाते हैं और एक दूसरे का देख रहे हो इधर देखो इधर देखो एक दूसरे को बाद में मौका दिया जाएगा जब उम्र हो जाएगी तब देखना है दबा के देखना मौका दिया जाएगा घर वाले देंगे अभी किसी को जल्दी है तो मेरे को बताओ मैं बोल देता हूँ घर वाले अरे समझ गए इसको ऐसे लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ हर्षित लिख सकता हूँ ना बेटा लिख सकता हूँ ठीक है उसने ये gx यहाँ लिख सकते हैं e और l क्या रेसिप्रोकल है कट जाते हैं अरे ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं इस चीज को ऐसे लिखता हूँ e raise to gx and fx minus 1 और plus 1 ठीक है yes, sir. ठीक है अब क्या करता हूं मैं देखो इसको मैं रीराइट कर देता हूं माइनस वन प्लस वन को रीराइट कर देते हैं कैसे ऐसे कर देते हैं वन प्लस एफ एक्स माइनस वन कर दो इसे ठीक है कैसे करोगे रीराइट वन प्लस एफ एक्स माइनस वन मैं इसको रीराइट करता हूं इसको लिखता हूं वन प्लस एफ एक्स माइनस वन ठीक है सही है यस सर अब इसको क्या कर देता हूं मैं fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहां तक कोई डाउट किसी को ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ये ब्रैकेट बना रखी है बस मैंने ठीक है अरे ठीक है यस सर देखो जब मैं लिमिट ले लेता हूं क्या करता हूं दोनों टाइप साइड कर लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर dx सही है तो ये क्या बन जाएगा e tan limit x tends to a अरे सही है yes sir gx और ये चीज क्या हो जाएगी ln 1 plus x on x क्या हो रहा है 1 ही होता है तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास fx minus 1 यही करना था ना yes sir
आगे ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, लिख लो इसे। ठीक है, किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? फिर तो जैसे तुम पुट करोगे 1 - 1 0 1 - 1 0 तो थीटा टेंड्स टू 0 ही आ रहा ना। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? क्या है लिमिट x टेंड्स टू थीटा, सॉरी x टेंड्स टू 0 ln 1 + x / x। क्या होता है 1 होता है, यही प्रॉपर्टी लगाई, ये चीज 1 हो गई, तो ln से सारा चीज के बराबर आ गई। बेटा ये प्रूफ समझ आया? यस सर। क्या एक दूसरे देख के हंस रहे हो? लड़का लड़के को देख के हंस रहा है। गुड गुड बेटा, गुड। ठीक है, ये चीज समझ आई? यस सर। अरे समझ आ गई? यस सर। अब तो भी पकड़ो इसमें, तो ये इसका प्रूफ है। तो तुम्हें याद क्या रखना है? याद ये चीज रखनी है, लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx, वेयर fx टेंड्स टू 1 एंड gx टेंड्स टू इंफिनिटी विल बी इक्वल टू e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू a gx * fx - 1। अरे ठीक है सर, पढ़ना समझ आ गया सबको? यस सर। नोट कर लिया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 + x डिवाइड बाय 2 + x रेज टू पावर 1 - √x अपॉन 1 - x। पहले ये करना 1 - infinity है ही नहीं, क्यों कह रहा हूँ मैं? और क्योंकि ये क्या आ रहा है, देखो 2/3 आ रहा है, 1 - infinity है ही नहीं एक्चुअली। तो इसमें वर्किंग रूल लगाने नहीं, क्या करोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो, 1 + x अपॉन 2 + x है। ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये? a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अरे सही है, ये चीज समझ आई? ये वाला चीज निकल गई, सीधा पुट कर दो, ये क्या आएगा 1 + 1 / 2 और ये क्या आ जाएगा 2/3 की पावर 1/2। ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये 1 - infinity फॉर्म का क्वेश्चन ही नहीं था, वर्किंग रूल उसमें लगाना जो उसका वो सवाल हो। यस सर। अरे ठीक है, नोट करो, घर के साथ ही बनाना इसको। मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका। इधर देखो, इधर देखो, x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना बेटा? यस सर। ऊपर और नीचे x की पावर सेम है, मतलब x की पावर सेम है, इसका मतलब 1 है। अरे ठीक है सर। और ऊपर 1 - infinity फॉर्म है, लगा आग बन के फॉर्मूला लगा दो, वर्किंग रूल e^2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाली चीज इधर आती है और ये क्या आता है x अपॉन 1 + x - 1, यही है ना फंडा? यस सर। ठीक है, e^2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आया x, ये क्या आ जाएगा 1 + x, मतलब -1 - x तो -1 अलोंग। अरे ठीक है सर। अब देखो यहां यहां क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x / 1 + x। यस सर। अब जब ये इनफाइनाइट पे, तो क्या करोगे, x कॉमन लोगे? यस सर। ले लेते हो, ले लेते जोशी। यस सर। कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करो खुद पे। यहां बना है, यहां है 1/x + 1। ठीक है सर। अब देखो बेटा, यहाँ पे जब मैं इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0। ये वाली चीज क्या हो गई? 0। अरे सही है सर। अच्छा, और यहाँ से x कॉमन भी था, लिखा नहीं है। ठीक है, अरे सही है। क्या बच गई वैल्यू? 1 बच गई। तो e^-1 तुम्हारा आंसर। यस सर। नोट कर लो, इंफिनिटी x + 6 / x + 1 / x + 4। देखो x, देखो बेस और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की x की पावर क्या है, बराबर है, मतलब 1 बनेगा ये, और 1 - infinity फॉर्म है। लगाओ तरीका, लगाओ लिमिट e^2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x + 4 × x + 6 / x + 1 - 1। अरे सही है। e^2 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
माइनस एक्स माइनस वन कितना बचा जाएगा फाइव ठीक है एक्स प्लस फोर ठीक है फाइव बाहर ले लिया जाए अपॉन एक्स प्लस वन ठीक है समझ आ गया क्या किया मैंने अरे सही फिर क्या किया लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी फाइव यहाँ क्या किया एक्स कॉमन ले लिया वन प्लस फोर बाई एक्स डिवाइड बाई यहाँ भी क्या किया एक्स कॉमन ले लिया वन प्लस वन बाई एक्स ठीक है जब तुमने इंफिनिटी पुट किया ये चीज क्या बन गई जीरो ये भी चीज क्या बन गई जीरो और ये कट गया अरे ठीक है ये वन ही बच गया तो ई रेज टू फाइव तुम्हारा ठीक है तो क्या हुआ यहाँ पे e raise to limit
x tends to 0, ये बचा 1 minus cos x upon limit cos x into, ठीक है, अब देखो एक चीज बताओ तुम्हें लिमिट पुट कर दो, हाँ कौन सी नीचे यहाँ ना साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो ही होता है तो यहाँ पर पड़ेगा नहीं कुछ भी यस सर ठीक है देखो यस सर जीरो ऊपर जीरो माना तो जाएगा यहाँ जीरो पुट करोगे तो यहाँ माना जाएगा ना यहाँ नहीं कर सकते अच्छा डिनोमिनेटर डिटरमिनेंट नहीं होगा सही कह रहे हो सही कह रहे हो सही कह रहे जैसे मैं यहाँ पे cos 0 पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 1 प्लस 0 यहाँ पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस तो ये पूरा 0 हो जाएगा अरे सही है तो लिमिट पुट कर सकते हैं डिटरमिनेंट ही नहीं बनता ठीक है तो ये बन गया e रेज़ टू पावर 0 sin 0 cos 0 1 raised to infinity form g raised to limit x tends to infinity ये आ गया x इधर sin 1 by x plus cos 1 by x minus 1 अरे सही है मैं क्या करता हूँ ठीक है मैं क्या करता हूँ इसको खोल देता हूँ ये t की पावर में ही है सही सही है ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी साइन 1 बाय x अलग ले लेता हूँ यस सर ठीक है ये x तो है यस सर क्या करूँगा मैं जैसे ये x है ना मल्टीप्लाई करूँ साइन तो ये पता है क्या करूँगा 1 बाय x से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड बाय यस सर ठीक है यस सर तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये x किससे कट जाएगा तो ये इधर वाली पहली चीज वन आ गई यस सर ठीक है दूसरी चीज पे बढ़ते हैं दूसरी चीज पे प्लस ठीक है ये सारी चीज वन आ गई प्लस cos 1 by x minus 1 upon 1 by x का होल स्क्वायर into 1 by x का स्क्वायर यस सर ठीक है और x यहां मल्टीप्लाई में है ठीक है दिख रहा था ठीक है अब देखो ये वाली चीज किसी महापुरुष ने तुम्हें बताया इस चीज की वैल्यू क्या होती है 1/2 ठीक माइनस 1/2 माइनस तो तुम्हें पता है ठीक है माइनस सर इसकी वैल्यू -1/2 आएगी ना यस सर तो इसको थोड़ा सुधार के लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी ये आ गया 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 1 minus cos x upon x square होता है 1/2 cos x minus 1 upon x square क्या आएगा minus 1 ठीक है where x tends to 0 देखे रहे तो ये आ जाएगा x into minus 1/2 into 1 by x square अरे सही है yes sir ये से कट गया ठीक है यहाँ infinity put करोगे क्या बन जाएगा 0 खत्म ऐसा खत्म आंसर क्या है ये ठीक है 1 by x tends to 0 हो जाएगा ठीक है और उसको चेंज कर दिया वही कर रहे हैं हम पर क्या कर रहा है क्वेश्चन नहीं चेंज कर रहा तुम समझे मेरी बात अरे समझ गए इसको चेंज करने होगा तुमने क्वेश्चन चेंज कर दिया क्वेश्चन मत चेंज करो इसको चेंज करो अरे समझ गए वो ऑलरेडी क्या है sin x ये क्या है 0 को ही तो जा रहा है साइन जीरो अपॉन जीरो ही तो है मैंने प्रूफ बता रखा तुम्हें जब वो जीरो को जाए तो वैल्यू क्या आती है समझ गए किसको नहीं चेंज करना ये क्वेश्चन है ये पहले हम पहले में तो करते थे क्वेश्चन अरे वो कैसे लेते थे फिर ऐसे करो व्हेन x टेंड्स टू 0 पूरा x को क्या ले लिया 1 / y हां ऐसे अरे समझ गए फिर सब कुछ 1 / y करना पड़ेगा ऐसे समझे फिर कर सकते हो मतलब सब कुछ चेंज करोगे कि लेट x = 1 है जब वो वाला स्टेप करने जरूरी था यहां पे सीधे cos 1 / x को ना x टेंड्स टू इनफिनिटी कर देते cos 0 हो जाता है हां तो सर वही हो जाता ना वाला विषय लोग कर सकते हैं ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है 1 / x से कर सकते हैं
क्या दे रहे हैं 1 माइनस 0 x निकल और ये कर रहे हो 1 सर बाय 2 x इनटू x है सर इनफाइनाइट इनटू 0 cos 1 by x क्या है 0 सच फॉर्म में भी तो लिया ये भी है सर ये भी है बेटा इनफाइनाइट या तो इसको अंदर लाके करो तुम नहीं कर सकते तुम समझे मेरी बात मल्टीप्लाई के बीच में नहीं पुट कर दोगे एकदम से हां ये सर इसको यहां मल्टीप्लाई करो फिर देखो इसलिए मैंने यहां ऐसा करो ठीक है अगर वो नहीं होता ना एक्स पुट कर देते टिल क्वेश्चन नंबर 376 यस सर टिल क्वेश्चन नंबर 376 होमवर्क है तुम्हारा ठीक है जीएन पर बने क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर नहीं है यस सर क्वेश्चन नंबर 376 होमवर्क है ठीक है